अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मुनव्वर शाह और स्काई रियल्टर्स की प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, मैं आज अल कबीर ऑर्चर्ड की तरफ से एक और गुड न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जैसे कि मैं आपको कुछ अर्सा पहले बताता था कि थोड़ा सा वेट कर लें, अल कबीर ऑर्चर्ड, अल कबीर डेवलपर्स अपने तमाम कमिटमेंट, अपने उन तमाम वादों के ऊपर पूरा उतरेगा जो उन्होंने अपने एंड यूज़र्स, अपने इन्वेस्टर्स और अपने डीलर हजरात के साथ जो भी कमिटमेंट किए, जो वादे किए, इंशाल्लाह उनके ऊपर पूरा उतरेंगे। तो दिन ब दिन वो अपने उन वादों को पूरा करने की तरफ आ रहे हैं। जो उन्होंने अपने क्लाइंट्स के साथ कमिटमेंट की, वो इंशाल्लाह ताला अज़ वजल उसके ऊपर पूरा उतरेंगे। एक तो नाज़रीन, जैसे कि अल कबीर ऑर्चर्ड में अपना जो मेट्रो बस है उसके एक्सटेंशन को शाहदरा से अपना लेकर काला शाह काकू तक उसको उसकी अप्रूवल आ चुकी है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से। तो ये एक काला शाह काकू की आवाम के लिए एक बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और जैसे कि उस एरिए में जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, अल कबीर ऑर्चर्ड आ रहा है और भी फर्दर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उनको भी इससे बहुत फ़ायदा है। लेकिन अल कबीर ऑर्चर्ड में स्पेशली, क्योंकि ये इसकी जो लोकेशन है काला शाह काकू के बिल्कुल नज़दीक है, तो नाज़रीन ये एक तो आपके लिए प्लस पॉइंट है कि कन्वेंस का जो एक बहुत बड़ा इशू नज़र आता है कि अपना इधर से अगर किसी बंदे ने आना जाना है तो फ्यूल के मामलात और कन्वेंस के आजकल जो भी मामलात हैं मुल्की हालात को, महंगाई को देखते हुए, तो ये एक बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और अपना गवर्नमेंट का ये ऐलान है कि इस प्रोजेक्ट को वो विद इन फ्यू मंथ्स अपना कामयाब करेंगे। और उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि ईद के बाद किसकी प्राइसेस अपना बेहतर हो रही हैं, क्योंकि अपना रमज़ान में मार्केट थोड़ी स्लो होती है रियल इस्टेट में, ताकि सैर अफ्तार रमज़ान में हमारे मुसलमान हजरात अपना मगन होते हैं रमज़ान की खुशियों में। रमज़ान को वो एक बहुत एक मुसलमानों के लिए एक अहम महीना रखा गया है कि जो कि इबादत का महीना जिसको कहा गया है रमज़ान के अंदर, तो वो इसलिए थोड़ा सा अपना प्रॉपर्टी और बिज़नेस से थोड़ा सा आवाम कट ऑफ ही होती है। तो इसलिए ईद के बाद ये मैं आपको पर्सनली आपको बता रहा हूँ कि इसकी अल कबीर ऑर्चर्ड की मार्केट बेहतर होने जा रही है। उन एंड यूज़र्स को भी मैं एक सजेशन कर रहा हूँ कि जो अपना फिल वक्त इसमें अपना फाइलों को सेल करने का सोच रहे थे कि इसको सेल करके हम किसी और प्रोजेक्ट में मूव आउट करते हैं, क्योंकि अपना काम थोड़ा सा स्लो अल कबीर ऑर्चर्ड में नज़र आ रहा था उन्हें, तो उन्हें नाज़रीन अब मैं बताता चलूँ कि आप बिल्कुल इस तरह का कोई काम ना कीजिएगा, इस तरह का कोई स्टेप ना लीजिएगा, क्योंकि अब फ़ायदे का टाइम आ गया है। जिस रेट के ऊपर अल कबीर ऑर्चर्ड ने ये अपना डील लॉन्च की, 3 मरला 5 मरला, अब जो आगे अपना अगले ब्लॉक की जो डील इंशाल्लाह मजीद लॉन्च करेंगे कमर्शियल के बाद, ये डील लॉन्च करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि इसकी प्राइजेज का इसमें बहुत डिफरेंस होगा। और ये जो पिछली फाइल्स हैं तो इनकी प्राइजेज में भी काफ़ी हद तक बेहतरी आएगी, क्योंकि अगली जैसे कि डील आएगी उसकी प्राइजेज रिवाइज़ हो जाएंगी, तो पिछली की भी प्राइजेज ज़ाहिर सी बात है रिवाइज़ होंगे और इनके ऊपर ऑन आना शुरू हो जाएगा। तो दूसरी बात नाज़रीन एक ये है कि खुशखबरी इस वक्त आप लोगों के लिए ये है कि जिसका हमारे जितने भी क्लाइंट्स एंड यूज़र्स जिन्होंने स्काई रियल्टर्स के ऊपर एतमाद करके, अल कबीर डेवलपर्स के ऊपर एतमाद करके इसमें अपनी सरमायाकारी की थी, अपने घर बनाने की ख्वाहिश रखकर अपना डेली बजट से अपने पैसे निकाल कर अपनी मंथली खुद को कंजस्टेड कर मंथली इंस्टॉलमेंट को अलग करके उन्होंने अपना एक घर की छत बनाने का इरादा रखते हुए हमारे साथ काम करना चाहा था, तो उनको मैं स्पेशल मैसेज देता जा रहा हूँ कि क्योंकि वो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर इसका जो मेन गेट का अप्रूवल जो कि सुनने को आ रहा था काफ़ी देर से कि मेन जीटी रोड के ऊपर इसको अल कबीर ऑर्चर्ड को गेट दिया जाएगा, तो वो कब दिया जाएगा, तो वो नाज़रीन ने खुशखबरी है आपके लिए, मेन जीटी रोड के ऊपर नाज़रीन इसको अब गेट दिया जा रहा है। विद इन फ्यू डेज़ आप कह लें कि इसकी ओपनिंग हो जाएगी, जो कि इसके अल कबीर डेवलपर्स के चेयरमैन साहब हैं चौधरी औरंगजेब साहब, उन्होंने अपना पर्सनली ट्वीट किया है कि वो अल कबीर ऑर्चर्ड का जो मेन गेट है जो कि बहुत कामयाब होगा अल कबीर ऑर्चर्ड के फ्यूचर और उसमें जो फाइलें हैं उसकी प्राइसेस में बेहतरी के लिए, क्योंकि जब मेन जीटी रोड से इसको एक्सेस मिल जाएगी तो अल कबीर डेवलपर्स जैसा प्रोजेक्ट इतना सस्ता, जैसे कि आप इनके पिछले प्रोजेक्ट्स विजिट करें कि उन्होंने जितनी इजी डाउन पेमेंट, इजी इंस्टॉलमेंट और टोटल प्राइस भी मुनासिब रखते हुए आपको एक अच्छा सराउंडिंग दिया, आपको जो लाइफ स्टाइल है वो एक लाइक उनकी जो डिवेलपमेंट का स्टेटस है, उनके कारपेट रोड, उसके बाद ग्रीन बेल्ट, जो भी खैर एक सोसाइटी के अंदर एक रोज़मर्रा ज़िंदगी को बसर करने के लिए जो बेहतरीन चीज़ें होती हैं वो उन्होंने अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट के अंदर अपना अप्लाई की, आप उनको विजिट भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला अज़ वजल अल कबीर ऑर्चर्ड, जैसे कि चौधरी औरंगजेब साहब का कहना है कि ये एक मेगा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, अल कबीर ऑर्चर्ड के प्रीवियस जितने भी प्रोजेक्ट हैं, जो सबसे ज़्यादा जिस प्रोजेक्ट को एक मेगा प्रोजेक्ट की शक्ल में लाया जाएगा
वो अल कबीर ऑर्चर्ड होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था अपनी प्रीवियस वीडियो में भी कि इसके अंदर इन्होंने कनाल की कटिंग दी है जो कि इनके पिछले किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं है, तो इससे यही साबित होता है कि ये प्रोजेक्ट इंशाल्लाह ताला अज़्ज़वजल एक बहुत बुलंदियों की तरफ जाएगा और काला शाह काकू की सराउंडिंग में बहुत अच्छा नाम कमाएगा अल कबीर ऑर्चर्ड, जैसे कि अपना इसने नाम अच्छा कमाया है। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि अपना जिनको इतना नॉलेज नहीं फाइल सिस्टम को किस तरह लेकर चलना है कि लाइक के आपने इंस्टॉलमेंट के ऊपर कोई प्लॉट लेना है तो उसके कुछ तरीक़ेकार होते हैं, उसमें कुछ सब्र के पहलू को अपनाना पड़ता है, उसमें ये नहीं होता है जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि चटपट से कुछ भी नहीं होता, टाइम लगता है। आपको देखें कि एक फ़ाइल से एक सिर्फ छोटी अमाउंट से आपको अपना ज़मीन दी जा रही है कि आजकल के दौर में जब सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है हर इंसान के लिए जो कि एक मिडिल क्लास जो अपनी ज़िंदगी को सरवाइव कर रहा है अपना जॉब करके छोटा मोटा बिजनेस करके, तो उसके लिए जो सबसे मुश्किल काम है वो अपना घर बनाना है। तो अपना घर नाज़रीन इतना आसानी से नहीं बनता, उसके लिए सब्र करना पड़ता है, टाइम लगता है। तो आप देखें कि एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट अल कबीर डेवलपर्स ने आपको 3 साल का प्लान दिया जी, 3 साल के अंदर हम इसका टोटल आपने प्लान आपने इसका क्लियर करना है और हम आपको ये डिलीवर करेंगे और जो जो अपनी कमिटमेंट है उसके ऊपर पूरा उतरेंगे। तो नाज़रीन अभी तो कोई टाइम ही नहीं हुआ तो इसमें कुछ डिसहार्ट होने का क्या मकसद है, मुझे ये चीज़ आपकी समझ नहीं आती कि मुझे कुछ क्लाइंट ये पर्सनली, माजरत से मैं ज़रा उन अल्फाजों का चुनाव कर रहा हूँ, लेकिन ये मैं आपको समझाने के लिए आपको एक तसल्ली नहीं दे रहा, मैं ये आपकी बेहतरी के लिए बता रहा हूँ कि उन क्लाइंट्स को ये सोचना चाहिए, ये समझना चाहिए कि आप मिसाल 8,500 मंथली इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, 8,000 में आपको प्लॉट 2-4 महीने के अंदर तो नहीं मिल जाएगा, टाइम लगेगा, उसे कंपनी है, मार्केट है, इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे, ये कोई भी किसी भी किस्म की बिजनेस की मार्केट है, ये ऊपर नीचे होती रहती है, इसका आपके साथ कोई कंसर्न नहीं, ये मार्केट का काम है। आपने अपनी फाइल ली है, अपने नाम पर सबमिशन करवाई है, आप उसकी अपना किस्तें दें और जब तक उस जो भी उसके कमिटमेंट का टाइम है लाइक बैलेटिंग का टाइम है, पोजेशन का टाइम है और जो भी अल कबीर डेवलपर्स ने आपके साथ कमिटमेंट की है, आपको सिर्फ उसको मद्देनजर रखना चाहिए। ये इस ये जो मार्केट की स्ट्रेटजी है इसको देखकर आप परेशान ना हो, क्योंकि ये तो एक कोई भी किसी भी तरह का कोई बिजनेस है तो इसमें अपना ट्रेडिंग इसके ऊपर नीचे ये इसके मामला चलते रहते हैं, तो इसको देखकर डिसहार्ट नहीं होना। बाकी जो उसका डेवलपमेंट का स्टेटस है, डेवलपमेंट वो कर रहे हैं और डेवलपमेंट स्टार्ट में उतनी तेज़ी से प्रोजेक्ट नहीं करता क्योंकि अपना फाइलों की सबमिशन होने वाली होती हैं और उनको एक अपना उस हिसाब से एनालाइज करना होता है कि कौन सा एरिया कब करना है और क्या इसके मामला करने हैं, तो उसमें नाज़रीन थोड़ा सा टाइम लगता है। दूसरी बात, मुल्क की हालात आज आप लोगों के सामने हैं कि मुल्क की हालात क्या चल रहे हैं, हर तरफ गहमा गहमी, हर बंदा परेशान है, हत्ता कि आटे के लिए हर बंदा परेशान है। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि जो कंस्ट्रक्शन के मामलात हैं उसके बाद जो डेवलपमेंट है उसको किस तरह से लेकर चला जाता है। ये एक मास्टर प्लान्स होते हैं, इसको एक बड़े तरीक़ेकार से लेकर जाया जाता है, ये कोई आम हम लाइक के हमने कोई एक छोटा सा 5 मरले का घर बनाना है तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि उसके भी क्या मामलात होते हैं। तो ये फिर एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, इसके अंदर अरबों रुपया इन्वेस्ट होना है, इसके अंदर बहुत से वो मामलात हैं जो आप लोगों की माजरत से उन लोगों की सोच से भी बाहर हैं कि क्या क्या मामलात होते हैं एक प्रोजेक्ट को अपना मंजिल मकसूद तक पहुंचने के लिए, उसको कितने फेजेस का सामना करना पड़ता है, उसने क्या क्या अपनी अप्रूवल्स को लेना पड़ता है सारी। खैर, तो इस प्रोजेक्ट ने तो अपनी सारी वो अपना NOCs अपने जो भी मामला था लैंड सारा कुछ कर ली है, बस आगे इंशाल्लाह ताला जैसे ही इनका ये मेन GT रोड से भी अब देखेंगे, टाइम लगता है, अब टाइम आया, इन्होंने मेन GT रोड के भी ऊपर भी अपना चौधरी औरंगजेब साहब ने पर्सनली ट्वीट करके बताया है कि इसके ऊपर अब जो आपको मेन GT रोड के ऊपर आप उसको गेट दिया जा रहा है। तो ये था मेरा नाज़रीन आज का अल कबीर ऑर्चर्ड में उन क्लाइंट्स को मैसेज जिन्होंने अपनी इसमें सरमायाकारी की हुई है। और दूसरी बात ये कि जो कुछ नए व्यूवर्स जो कि मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अगर इसकी अल कबीर ऑर्चर्ड की पूरी डिटेल्स जानना चाहते हैं, इसके पेमेंट प्लान, इसकी लोकेशन, इसकी कैटेगरी, जो भी इसके मामलात हैं, आप मेरे चैनल को विजिट करें। और जो कि कुछ नए व्यूवर्स हैं जो अभी मुझे नहीं जानते, जब वो मुझे स्टडी करेंगे तो फिर उनको अंदाज़ा होगा कि मैं मार्केट में किस तरह काम करता हूँ या किस तरह मैंने अपने क्लाइंट्स को, एंड यूज़र्स को और अपने ओवरसीज़ को लेकर चलाऊँ। और एक मेरा और आप लोगों को मैसेज है कि ये कुछ आप लोगों को परेशानी इसमें होती है कि आप ऑनलाइन बुकिंग कैसे करवा सकें, क्योंकि आजकल टाइम के मामला हर बंदे के पास
काफ़ी शॉर्ट होते हैं। तो नाज़रीन स्क्रीन के ऊपर आपको मेरा नंबर मिल रहा है, आप इसमें अपना रब्ता करें, आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें, लाइक के आप कल कबीर आर्चर की 5 मरला की फाइल चाहिए, आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें कि जी मुझे ये चीज़ की रिक्वायरमेंट है मेरी, ये पूरी की जाइए, मुझे चाहिए। तो आपको जो भी चाहिए होगा, लाइक 5 मरला की फाइल चाहिए, आपको अपना इधर से मेरा नुमाइंदा आपसे रब्ता कर लेगा, आप उसको अपना डॉक्यूमेंट्स भेजें अपने, जिसमें डॉक्यूमेंट्स में क्या आ जाता है कि जो 2 पासपोर्ट साइज़ आपकी पिक्चर्स होंगी, 2 आपके ID कार्ड की फोटो कॉपीज़ होंगी और 2 आपके नॉमिनी की ID कार्ड की फोटो कॉपीज़ होंगी। नॉमिनी का मीन्स के जो आपके बाद भी आपकी प्रॉपर्टी को देख सके, लाइक कि आपका बेटा हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, आपकी बीवी, आपका वालिद वालिदा, कोई भी आपका अजीज़ है जो वो आपका नॉमिनी हो सकता है। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप हमें भेजेंगे, स्काई रियल्टर्स का ऑफिशियल जो अकाउंट नंबर है वो आपको भेजा जाएगा, उसके ऊपर आप अपनी पेमेंट लगवाइएगा और हमें मैसेज कीजिएगा और आपकी फ़ाइल को इधर सबमिशन करके, आपके नाम पर उसको सबमिट करके आपको TCS के थ्रू आपको डिलीवरी पहुंचा दी जाएगी। आप जिस जगह पर भी रह रहे हैं आपका ये ऑनलाइन का सिलसिला होगा कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ आपने मोबाइल के ऊपर जस्ट कुछ टाइप करके जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो आपने हमें बतानी है और हम इंशाल्लाह कि जैसे कि हम आज से कोई काफ़ी अरसा पहले काफ़ी सालों से मार्केट में काम कर रहे हैं, लोगों को पता है कि हम किस तरह मार्केट में काम करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में हमने अपना एतमाद हासिल किया है, अपना कमिटमेंट के ऊपर पूरा उतरे हैं, बात उतनी की है जितनी बात हो, ना कोई ज़्यादा सब्ज़ बाग दिखाए हैं, जितनी बात है उतनी बात आप तक पहुँचाई है, हमेशा से आपकी रहनुमाई करते रहे हैं और इंशाल्लाह ताला आगे भी इसी तरह आपकी खिदमत में हाज़िर होता रहूँगा। मैं आपका मुनव्वर शाह, नाज़रीन दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।